है ना आपका बंटी गया और क्यों इसका है खेलने के लिए। बंटी मीनू के घर खेलने के लिए गया। बंटी और मीनू नेक्स्ट क्वेश्चन, बंटी और मीनू क्यों परेशान थे, दोनों क्यों परेशान थे बताओ। बताओ क्यों परेशान थे दोनों, लिखो राइट करो। बंटी और मीनू, बंटी और मीनू के अत्याचार, लिख रहे हो ना पूर्वी आप, यस मैम। अत्याचार और की टोका टाकी से परेशान थे। बंटी और मीनू होमवर्क के अत्याचार और बड़ों की और मैं टोका टोकी से परेशान थे। मेमी सेकंड वाले ये ना बंटी और मीनू होमवर्क के अत्याचार से पर। सेकंड हाँ वाले का यस मैम सेकंड वाले। ऐड कर लिया, नो मैम बंटी लिख लो। मैम इसका यही आंसर है ना, बंटी और मीनू होमवर्क के अत्याचार से परेशान थे। होमवर्क के अत्याचार, और बड़ों की टोकट, बड़े लोग सारे दिन टोकते थे ना उनको, टोका टाकी करते थे, उससे परेशान थे। मैम क्वेश्चन लिख लिया। हो गया आराध्या, पूर्वी हो गया। यस यस मैम, मैम नेक्स्ट लिखो। अगले दिन जब बंटी की आंख खुली तो वह हैरान क्यों था, आया था ना बहुत बुरा। तो लिखो, जब बंटी की आंख खुली तो हैरान इसलिए था क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा था। लिखो, क्योंकि बंटी मैम शुरू से बताओ क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि बंटी ने देखा था।
सब लोग तो क्या हो गए थे, छोटे, और वो हो गए थे बड़े। कि सब बड़े लोग तो छोटे हो गए थे, और वो जो छोटे थे ना वो खुद बड़े हो गए थे, ये सपना देखा था ना आपने? यस मैम। मैम थर्ड वाला क्वेश्चन कहाँ कौन सा है? हाँ थर्ड वाला यही है। कौन सा है वो पता नहीं। मैम थर्ड वाला क्वेश्चन आंसर बताना। थर्ड वाले का बोला ना कि बंटी ने एक बुरा सपना देखा था। बंटी ने एक बुरा सपना देखा था। हाँ ये लिख लो तुम तो, बहुत है यही। लिख लिया मैम। बड़े होकर बंटी और मीनू को कौन कौन सी परेशानी हुई थी? है? क्या क्या परेशानी हुई थी? बड़े हो गए थे ना वो, और उनके मम्मी छोटे छोटे हो गए थे, तो क्या क्या परेशानी हुई उनको? उनको खाना बनाना नहीं आया है? है ना? थर्ड का लिख लिया तुमने? यस मैम। और उन्हें लिखो, और मीनू लिखो, बन फोर्थ का ये, और मीनू बंटी और मीनू बड़े होकर बड़े होकर खाना नहीं बना सके। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बंटी और मीनू, बंटी और मीनू बड़े होकर बड़े हो नहीं बना सके। नहीं बना सके मैम, कर लिया। और जो बड़े हो गए थे ना, जो बड़े तो छोटे हो गए थे, बड़ों की रोने धोने से परेशान हो गए थे सभी। बंटी और मीनू बड़े होकर खाना नहीं बना सके और परेशान हो गए थे। मैम लिख लिया, बस हो गया फोर्थ का, तो कंप्लीट हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। वाक्य बना लिया आपने? वाक्य नो मैम, किसी ने भी नहीं बनाए, दोनों ने, पूर्वी आपने, आराध्या आपने भी नहीं बनाए। नो मैम। आफत का बनाओ, राइट करो आफत का। क्या होगा आफत का? आफत का बताओ। तो कुछ तो बोलो आफत का, पूरी आप बोलो। नो है?
आराध्य पूर्वी क्या था है? बंटी बंटी पर आफत लिखो, बंटी पर आफत आ गई। हाँ बंटी पर होमवर्क की, ऐसे लिख लो, बंटी के ऊपर होमवर्क की आफत आ गई, ऐसे बंटी के ऊपर होमवर्क की के, नहीं ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बंटी के ऊपर काम करने की आफत आ गई, काम करने की, बंटी के ऊपर काम करने की आफत आ गई, बंटी के काम करने, काम करना पड़ा ना उसको बड़े होके, होमवर्क का लिख लो, बंटी को स्कूल में, मीनू को स्कूल में मैम ये बना ली क्या होमवर्क का, मीनू ने होमवर्क नहीं किया। हाँ बना लो, ऐसे बना लो, सो रहे थे क्या? मैम लिख लिया। पीयूष इतना लेट आए हो क्या? टाइम देखा है आपने? मैम वो दिलीप पढ़ रहा है। क्या? दिलीप पढ़ रहे थे। कल क्लास नहीं किया आपने? और स्कूल आवाज नहीं आ रहा। मैम शुक्रिया का ये लिखिए कि बंदी ने मीनू को शुक्रिया कहा। हाँ तो जो आपको ठीक लगे वो कर। थर्ड लेसन है बेटा, थर्ड लेसन में 23 पेज निकाल लो। यस मैम। आपने कल क्लास नहीं ली थी ना? नो मैम। कल की क्लास नहीं ली ना आपने? मैम आपने, आपको ये लेसन रीडिंग करना है, कर लोगे? यस मैम। कल स्कूल में आओगे ना तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह बता दूंगी सारे। बाकी ये आपको आते ना वाक्य बनाना? होमवर्क से मुक्ति लो। आचार का लिखो, सामान लेने गए। मैं मुक्ति का क्या बताया था अभी? लिखो हाँ, करने से मुक्ति मिली, वर्क करने से मुक्ति मिली। देखो ईमान आ रहा है, हिमांशु गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अब हो रही है, टाइम देखा है आपने? इतना लेट ज्वाइन कैसे हुए? मैं वो नहा रहा था। हाँ नहा रहा था। टाइम का नहीं पता आपको? या तो बाद में ना हो या फिर पहले ना हो। मैम मुक्ति का क्या है? मुक्ति का बताया ना आपको? मैम बाजार से मुक्ति मिली। मैम बाजार का क्या है? उसके लास्ट के क्वेश्चन आंसर वाक्य बनाना। वर्क से मुक्ति मिली, हम बाजार गए। मैम बाजार लिखो, लिंग बदल लिखो इनके।
भगवान का क्या होगा पर्यायवाची बताओ। पर्यायवाची भगवान का कौन बताएगा? भगवान को क्या बोलते हैं? और देखो ये नहीं पता है? मैं हाँ बोलो। ईश्वर, ईश्वर भगवान परमात्मा, एक लिख लो ईश्वर। सूरज का क्या होगा? मैं सूर्य। हाँ लिख लो। आजादी का तू कहाँ बात करता है? क्या होगा मुक्ति का पर्यायवाची? आजादी। मुक्ति का, मुक्ति का आजादी। आजादी। मेहमान का बताएगा? मेहमान का अतिथि। मेहमान का क्या होगा? अतिथि। अतिथि। विश्वास का भरोसा। आदेश देना। विश्वास का क्या होगा बेटा? विश्वास का होगा भरोसा। आदेश का होगा हुक्म। हम क्या होगा आदेश का? आदेश का होगा हुक्म। आधा का बीच में हुक्म। हुक्म देते ना, हुक्म दे रहे हो क्या मेरे को? तुम कहते नहीं हो तुम लोग ऐसे, तुम मेरे को आदेश दे रहे हो क्या ऐसे? लिंग कर लिखिए। नेक्स्ट सेवन पिस्ता। मैं मुक्ति का क्या होगा? चाचा का क्या बदलेगा? चाचा का लिंग क्या होगा? चाची। चाची। और दादा का? दादी। बच्ची का? बच्चे। बच्चा, नॉट बच्चे। वो तो बहुवचन हो जाता। बच्चा। मानसु, मम्मी का लिंग क्या होगा? मम्मी पापा। मम्मी का पापा। पापा ये लिंग कर लो, पर्यायवाची कर लो। और आंसर मैंने करा दिए आपको, ये वाक्य पर लिख लेना। हिमांशु पीयूष। मैंने वाक्यों में बाजार का क्या था? हिमांशु पीयूष ये वाक्य कर लेना आप लोग। हिमांशु देखो इधर, ये वाक्य करने हैं आपको, कर लोगे ना? यस मैम। ओके। मैंने वाक्यों में बाजार क्या था? कौन पूछ रहा है? ये हो गए ना आपके इसमें सारे क्वेश्चन आंसर? कोई प्रॉब्लम किसी में? नो मैम। बंटी किसके घर गया है? हिमांशु पीयूष मीनू लिख लो। बंटी मीनू के घर खेलने के लिए गया, ऐसे लिख लो। मैम मुक्ति का क्या होगा? किसका? मुक्ति का। मुक्ति का आजादी। वाक्यों में बाजार का क्या होगा? कौन बोल रहा है, क्या कह रहे हो? वाक्यों में बाजार का क्या होगा? जोर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो। मैं वाक्यों में बाजार का क्या होगा? बंटी और मीनू क्यों परेशान थे?
बंटी और मीनू क्यों परेशान थे? बंटी और मीनू होमवर्क के अत्याचार और बड़ों की टोका टाकी से परेशान थे, है ना? बड़े लोग, ठीक है। आपने ये स्टोरी पीयूष पढ़ ली आपने? यस मैम। हिमांशु आपने पढ़ लिया लेकिन? मैम आपने पहली वाले क्लास में पढ़ा दिया था। मैंने कब पढ़ाया था? मैं तो कल पढ़ाया था। हम कल नहीं, कल पढ़ा दीजिए आप। होमवर्क, बंटी और मीनू होमवर्क के अत्याचार और बड़ों की टोका टाकी से परेशान थे। मैम आदेश का क्या होगा? आदेश का होगा हुक्म। होमवर्क कल स्कूल आना है ना आपको? यस मैम। यस मैम। तो थर्ड तक क्वेश्चन आंसर सबके कंप्लीट कर होने चाहिए। यस मैम। ठीक है मैम। मेहमान का क्या होगा? मेहमान का अतिथि। अतिथि। बंटी की आंख खुली तो क्या हो गया? हैरान क्यों था वो? क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा था। लिखो मैम। विश्वास मीन्स विश्वास का भरोसा। क्योंकि भरोसा भरोसा विश्वास का भरोसा बड़ों के की टोका टोकी से हो गया। मैम थर्ड का क्या है? एक क्योंकि बंटी ने एक बुरा सपना देखा था। यस मैम। बड़े बंटी और मीनू को कौन कौन सी परेशानी हुई थी? आराध्य क्या लिखा बताओ आपने? करना पड़ा, खाना बनाना नहीं आया है ना, और बच्चों की चिक चिक करने लगे थे ना, उनके मम्मी पापा दादी दादा सब छोटे छोटे हो गए थे तो उनको बड़ा परेशान कर रहे थे ना वो। यस मैम। आप भी चाहते हो आपके मम्मी पापा छोटे छोटे हो जाएं और आप हो जाओ बड़े बड़े, हैं? फिर आप देखना कैसे है? चाहते हो कि आप बंटी हो तरह मीनू की तरह मैं आप पापा मम्मी बुआ दादी बाबा सब छोटे छोटे हो जाए और आप हो जाओ बड़े बड़े? नो मैम। तो क्या आप भी ऐसा नो मैम हैं? नो मैम। फिर आपको पता चलेगा कि बड़ों को कितना काम करना पड़ता है। बंटी को पता चल गया ना मीनू को कितने काम करते हैं बड़े लोग, करते हैं ना, हैं? कितनी परेशानी थी उनको फिर बाद में, तो वो तो उसका क्या था एक सपना, अगर रियल में हो जाता तो हैं? बड़ा होकर बंटी क्या हुआ, परेशानी क्या हुई बंटी और मीनू? लिखो बंटी। बंटी और मीनू खाना नहीं बना सके हैं, और उनके दादी बाबा चाची मम्मी पापा सब छोटे छोटे हो गए तो उन्होंने रोना रोना शुरू कर दिया, जिद्दी करना शुरू कर दी है ना, रोने पाए नहीं। बंटी और मीनू खाना नहीं बना सके और बना पाए पाए खाना नहीं बना पाए नहीं। और अरे वो तो मेरे नहीं मिल रहा था इसलिए के मिल रहा था मेरा और सब छोटे ठीक है छोटे हो गए छोटे हो
ओके लिख लिया और तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट लेसन के, इनको लर्न करके आना है, कल पूछूंगी भी मैं आप लोगों से, ओके आपने बेसिक क्लास जॉइन हो जाओ एंड और मैं ओके वापस जॉइन होना है अभी बेसिक क्लास आपकी यस मैम।